हाय, ये फोकस बायोलॉजी है और मैं वरुण प्रभात हूँ। ये मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का पहला वीडियो है। ये है मेरा लेक्चर आउटलाइन। व्हाट इज मसल टिश्यू, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू और अंत में समरी, जिसमें कि आज के लेक्चर को हम समराइज कर देंगे। नाउ व्हाई माय लेक्चर। मेरी लेक्चर की एक खासियत है कि इसमें प्रत्येक पॉइंट एक स्पष्ट डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन की गई है। दूसरी कि आवाज और कर्सर के बीच सिंक्रोनाइजेशन रखी गई है ताकि अच्छी कंसंट्रेशन मिल सके। आवाज क्लियर है जिससे कि विषय वस्तु की अच्छी समझ हो। आफ्टर दिस लेक्चर यू हैव फेयर कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, शार्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। नाउ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू मायोसाइट्स के बने होते हैं। ये मायोसाइट्स इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि एटीपी का उपयोग कर फोर्स को उत्पन्न करते हैं। मसल टिश्यू मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं या इसे तीन ग्रुप में बांटा गया है। पहला स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा कार्डियक मसल टिश्यू, तीसरा स्मूथ मसल टिश्यू। आइए हम देखते हैं अब स्केलेटल मसल टिश्यू। तो स्केलेटल मसल टिश्यू ये वॉलेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंट्रोल हमारे कॉन्शस ब्रेन के अधीन है। ये स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स के बने होते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, ये स्ट्रिएशंस, यहाँ देखिए ये क्लियर स्ट्रिएशंस हैं इसमें। और ये जो मसल फाइबर हैं ये लॉन्ग होते हैं, लंबे तथा सिलिंड्रिकल। यहाँ देखिए स्केलेटल मसल फाइबर में ये डायमीटर और ये डायमीटर, मतलब इसके दोनों एंड के डायमीटर समान है। शेप कैसा हुआ? सिलिंड्रिकल। इसकी लंबाई फ्यू सेंटीमीटर से 30 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं। यहाँ देखिए वन न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस और ये तीसरा न्यूक्लियस, मीन्स मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं ये, मैनी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का पोजीशन पेरिफेरल होता है। या स्केलेटल मसल फाइबर में पेरिफेरी पे होते हैं, ये बीच में नहीं पाए जाते। एक और फीचर जो गौर करने वाली है वो ये है कि मसल फाइबर के बीच एनाटॉमिक तथा फंक्शनल कनेक्शंस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से स्वतंत्र होते हैं। ये पाए जाते हैं कहाँ? तो ये बोन्स
स्केलेटन के जो बोन्स होते हैं उससे अटैच्ड रहते हैं। इसका काम है मोशन, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन तथा प्रोटेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट, कार्डियक मसल टिश्यू, ये ब्रांच्ड मसल फाइबर के बने होते हैं। यहाँ देखिए ये ब्रांचिंग स्पष्ट है, यहाँ ये ब्रांचिंग, यहाँ ये साइट ऑफ ब्रांचिंग स्पष्ट है तथा ये एस्ट्रिएटेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ देखिए ये सारे एस्ट्रिएशंस, अल्टरनेट लाइट डार्क, लाइट डार्क, ये बैंड्स पाए जाते हैं। ये फंक्शन में इन्वॉलेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कार्य का कंट्रोल हमारे कॉन्शियस ब्रेन के अधीन नहीं होता। नंबर ऑफ न्यूक्लियस ओनली वन, केवल वन होते हैं। यहाँ देखिए वन न्यूक्लियस एक मसल फाइबर में, और इसकी पोजीशन सेंट्रल होती है, ये सेंटर पे पाई जाती है। अगर हम इसका अध्ययन करें तो पाते हैं कि इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क्स होते हैं, या ये वाली पोर्शन इस फिगर में, यहाँ देखिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये सारे इंटरकैलेटेड डिस्क। ये कार्डियक मसल्स के लिए यूनिक होते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से जुड़ते हैं। इस कार्डियक इंटरकैलेटेड डिस्क्स में डेस्मोसोम्स तथा गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। डेस्मोसोम्स का काम है टिश्यू को शक्ति प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना तथा मसल फाइबर्स को बांधे रखना, एक दूसरे को बांधे रखना, होल्ड किए रखना। गैप जंक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरे हार्ट में जाते हैं। ये कार्डियक मसल टिश्यू हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं तथा इसका काम है ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना। नेक्स्ट, स्मूथ मसल फाइबर, ये सामान्यतया इन्वॉलेंट्री होते हैं, मतलब इसका भी कंट्रोल, स्मूथ मसल टिश्यू का कंट्रोल हमारे कॉन्शियस ब्रेन के अधीन नहीं होता। ये नॉन एस्ट्रिएटेड होता, मतलब इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते। यहाँ देखिए कहीं नहीं मिलेंगे आपको। शेप का अगर हम स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका शेप, यहाँ देखिए स्पिंडल शेप्ड है, बीच में मोटा, और इस मोटे पार्ट में एक न्यूक्लियस, ओनली वन न्यूक्लियस, ये पाए जाते हैं आयरिस में, आर्टरी, ट्रैकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूटेरस के वॉल में भी ये पाए जाते हैं। इसका काम है मोशन प्रदान करना। नाउ समरी, आज के मतलब इस वीडियो में जो हमने पढ़ा उसको अब हम समराइज करते हैं। यह है स्केलेटल मसल फाइबर, यह है कार्डियक मसल फाइबर और यह है स्मूथ मसल फाइबर। हमने तीनों मसल फाइबर को लिया है। यहाँ देखिए पहली नज़र में आप पाते हैं कि इसका शेप सिलिंड्रिकल है। कार्डियक मसल
फाइबर ब्रांच्ड है और स्मूथ मसल फाइबर स्पिंडल सेपेड है। न्यूक्लियस, इसमें देखिए 1, 2, 3 मतलब स्केलेटल मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएट है। कार्डियक मसल फाइबर सामान्यतया एक न्यूक्लियस पाया जाता है तथा स्मूथ मसल फाइबर में भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ देखिए मसल न्यूक्लियस की पोजीशन स्केलेटल मसल फाइबर में पेरिफेरल है, कार्डियक मसल फाइबर में सेंट्रल और स्मूथ मसल फाइबर में थिकेस्ट रीजन में पाई जाती है। स्केलेटल मसल फाइबर में एस्ट्रिएशंस होते हैं, देखिए लाइट डार्क ये अल्टरनेट बैंड्स होते हैं जो कि कार्डियक मसल फाइबर में भी पाए जाते हैं परंतु ये स्मूथ मसल फाइबर में नहीं पाए जाते। स्केलेटल मसल फाइबर वॉलेंट्री इनएक्शन होते हैं जबकि ये दो मतलब कार्डियक मसल फाइबर और स्मूथ मसल फाइबर इनवॉलेंट्री इनएक्शन होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे लोगो पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।